गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक साइंस। बच्चों आज हम साइंस में पढ़ेंगे लेसन 4, आवर क्लोथ। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे कपड़े, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम कि कपड़े क्यों ज़रूरी है और क्या क्या मटेरियल लगता है क्लोथ्स बनाने में, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, किस प्रकार के कपड़े होते हैं और केयर कैसे करनी चाहिए कपड़ों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो पीपल इन्वेंटेड द नीडल which enabled them to sew animals' skin and together into clothes, and clothes are our basic need just like food and house. We need clothes all the time. We wear different clothes on different occasions, and we wear our school uniform to school. We wear a loose night dress when we sleep. The clothes we wear at home are different from the ones we wear to a party. अब देखिए बच्चों, बहुत समय पहले जब एक तरह से आप कह सकते हो सुई का आविष्कार हुआ, तो किया उन तो इस किस चीज़ के लिए किया हुआ? उन्होंने एनिमल्स की स्किन को सिलने के लिए और इसका आविष्कार किया गया था एक तरह से आप कह सकते हो। और क्लोथ्स, फिर उसके बाद टुगेदर कपड़े सिले गए धीरे धीरे, और कपड़े हमारी ज़रूरत बन गए। तो हमारी जो मेन ज़रूरत जो होती है कपड़े, खाना और घर ही हैं। तो एंड वी नीड क्लोथ्स ऑल टाइम, हमको जो है कपड़े हर एक समय के लिए चाहिए, जैसे हमेशा अलग अलग ओकेज़न के लिए। यूनिफॉर्म है, स्कूल में यूनिफॉर्म चलती है, तो और रात को हम ढीले कपड़े पहन के सोते हैं। तो मतलब हर टाइप के कपड़े होते हैं हर हर ओकेज़न में, जो भी ओकेज़न होता है उसके लिए। वाई डू वी नीड क्लोथ्स, कपड़े क्यों ज़रूरी है? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट बाइट। कपड़े जो है हमको बचाते हैं सूरज की रोशनी, गर्मी से, सर्दी से, कीड़ों के काटने से, बरसात से, सबसे। ठीक है, ड्यूरिंग समर द हीट ऑफ द सन कैन कॉज सनबर्न्स एंड क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन। जो समय गर्मी का समय होता है, सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है, तो एक तरह से सूरज की जो गर्मी होती है, जलाने वाली गर्मी से ये हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं कपड़े। और व्हेन द कोल्ड, जब सर्दी होती है, तो कपड़े हमको गर्मी से बचाते हैं, हमको गर्म रखते हैं, हमारे शरीर को गर्माहट देते हैं, मतलब सर्दी से बचाते हैं। वूलन कपड़े गर्माहट देते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड, ये हमको सर्दी से बचाते हैं। व्हेन वी गो आउट इन द रेन, जब हम बाहर जाते हैं बरसात में, वी वियर रेनकोट्स मेड ऑफ वाटर प्रूफ, हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वाटर प्रूफ रेनकोट टाइप के। क्या आपको पिक्चर देख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोथ्स वी ऑल्सो यूज एन अम्ब्रेला, कपड़े जो है हम यूज़ करते हैं अम्ब्रेला, एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम द गेटिंग वेट, एंड क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डस्ट प्रेजेंट इन द एयर, एंड वी वियर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स एट नाइट एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। अब देखिए, हम लोग जो है अपने आप को बरसात से बचाने के लिए कपड़े या भिगो जो हमें भिगोने से बचाए कपड़े पहनते हैं। कपड़े हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं धूल, हवा, इन चीज़ों से। और आप कह सकते हो वी वियर लॉन्ग स्लीव, हम लंबी स्लीव पहनते हैं रात को, और वो हमको कीड़े काटने से बचाते हैं। वी वियर, उसके बाद वी वियर क्लोथ डेट मेक अस लुक स्मार्ट, वी शुड वियर क्लीन एंड कम्फर्टेबल क्लोथ्स, एंड डर्टी क्लोथ्स गिव बैड स्मेल एंड ब्रीड जर्म्स एंड कॉज डिजीज। अब देखिए, कपड़े जो हैं हमको स्मार्ट बनाते हैं, और हमको कपड़े जो हैं साफ़ सुथरे, कम्फर्टेबल, जिसमें हमको लगे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। अब गंदे कपड़े जो होते हैं उसमें गंदी स्मेल आती है, और जो जर्म्स होते हैं फैलते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, डिजीज, बीमारियां करते हैं जो गंदे कपड़े होते हैं। क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं कपड़े बनाने में? देखिए, मटेरियल ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स इज मेड बाय वीविंग यर्न यानी थ्रेड, धागा। यर्न इज मेड बाय स्पिनिंग फाइबर, वी गेट फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सम फाइबर्स आर मेड बाय मैन, सो फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स एंड नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब देखिए, जो आप कह सकते हो हमें जो धागे हैं ये चीज़ें पौधों से, जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब आपको बताया, सम फाइबर्स जो है मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं,
और ये फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स डेट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वो प्लांट्स से और जो प्लांट्स और जानवरों से प्राप्त होते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं। वी गेट फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, नायलॉन फ्रॉम प्लांट्स से। ये हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, वूल ऊन हमको शिप से मिलती है। एंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ठीक है, ये हमको सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलती है। सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पे पिक्चर्स भी दिख रहे हैं आपको बच्चों, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर आर द मेड बाय मिल्स एंड फैक्ट्रीज। ये जो है इस टाइप के कपड़े होते हैं रेयन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ये फैक्ट्री और मिलों में बनते हैं। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव, ये ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव करते हैं, हमको अपनी तरफ खींचते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का चैप्टर करते हैं। थैंक यू, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।